आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे नो फिट कुर्तास के डिजाइन्स, यानी कि ऐसे कुर्तास जिनमें आपको कहीं पे भी फिट की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। हमारी प्रीवियस 1-2 वीडियोस में काफी लोगों ने हमसे कहा था कि हम आपके साथ ऐसे पैटर्न्स को शेयर करें जिनमें ज्यादा कुर्ता फिट्स ना हो या फिर बिल्कुल भी ना हो। सो ये जो भी कुर्ता डिजाइन है जो इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे, सिर्फ आपको शोल्डर फिट्स की जरूरत रहेगी, यानी कि आपके शोल्डर की जो कटिंग है वो आपके साइज के अकॉर्डिंग होगी और जो लेंथ्स हैं, आपकी स्लीव की लेंथ है या कुर्ता की लेंथ है, वो आपके अकॉर्डिंग रखी जाएगी। अदरवाइज जो साइड फिट्स है या आपकी वेस्ट की शेप है, बस्ट लाइन का फिट है, वो बिल्कुल भी यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं होगा। तो बने रहेगा इस वीडियो के एंड तक। एंड जैसा कि हम सब वीडियोस में आपको रिमाइंडर दे रहे हैं कि आपको याद से, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है, रेगुलर व्यूअर हैं अगर आप हमारे, लेकिन आपने सब्सक्राइब नहीं किया, मेक श्योर आप सब्सक्राइब जरूर करें। और हमने इस चीज का रीजन भी आपके साथ एक बार शेयर किया था कि जब आप किसी भी वीडियो को लाइक करते हैं या चैनल को सब्सक्राइब करते हैं या कमेंट करते हैं, किसी भी फॉर्म में कमेंट, आपको काम अच्छा लग रहा है, आप अप्रिशिएट कर रहे हैं, आप अपनी रिक्वेस्ट हमारे साथ शेयर कर रहे हैं कि आपको किस टाइप की वीडियोस चाहिए, हर टाइप का जो कमेंट है या लाइक है, शेयर है, सब्सक्राइब है, ये जो एंगेजमेंट आप दिखाते हो, इसकी वजह से यूट्यूब जो है वो चैनल को ज्यादा प्रमोट करता है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाता है, जिस वजह से हमारे चैनल की ग्रोथ होती है। एंड ये जो ग्रोथ है, यही एक ऐसी चीज है जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम ज्यादा से ज्यादा ऐसा कंटेंट और ऐसी वीडियोस बनाएं। तो हम अपनी तरफ से अपना एफर्ट कर रहे हैं कि मैक्सिमम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आप भी अपना काम जरूर कीजिएगा कि आपको ये सब फीचर्स को ध्यान में रखना है कि आप लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको लगता है कि कोई ऐसे आपके सर्कल में है जिनको ऐसी वीडियोस अच्छी लग सकती हैं, तो उनके साथ आप इन वीडियोस को शेयर भी कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो डिजाइन है ये है सेंटर पैच विद गैदरिंग। आपके कुर्ता में सेंटर में एक पैच दिया जाएगा। जनरली बहुत से कुर्तास में, चाहे समर के कैजुअल कुर्तास भी हैं, उनमें पैचेस दिए जाते हैं डिफरेंट फैब्रिक के, एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक के, डिफरेंट प्रिंट के, डिजाइन पर्पस के लिए। अब आपके कुर्ते में फुलनेस किस तरीके से यहाँ पे ऐड की गई है। फुलनेस का मतलब रहता है कि घेर, कहीं पे भी घेर ऐड किया जाता है या वॉल्यूम ऐड की जाती है आपके कुर्ता के पैटर्न में। तो वो कहाँ पे ऐड की गई है, वो जितनी विड्थ आपके पैच की रहेगी, नेक पैच की विड्थ है, उतने ही एरिया में गैदरिंग या प्लीटिंग कर दी जाती है, सो दैट आपकी वेस्ट या स्टमक एरिया या हिप एरिया के पास कहीं पे भी किसी भी टाइप के फिट की रिक्वायरमेंट ना रहे। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि नो फिट कुर्तास प्लस साइज लोगों के लिए अप्रोप्रिएट रहेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप स्लिम बॉडी टाइप है, मीडियम बॉडी टाइप है या प्लस साइज है, तब भी हर बॉडी टाइप के लिए ये जो कुर्ताज है ये एप्रोप्रिएट है। सिर्फ आपको अपने टाइप का स्टाइल पिक करना है, ऐसा पैटर्न पिक करना है जिसमें आप खुद भी कंफर्टेबल फील करें। नेक्स्ट है साइड प्लीट कुर्ताज। पिछले कुर्ता में हमने सेंटर में फुलनेस ऐड की थी, इसमें हम साइड्स में ऐड करेंगे। सिंपली आपके कुर्ता की दोनों साइड्स में, राइट एंड लेफ्ट साइड्स में, हम प्लीट्स की हेल्प से फुलनेस ऐड करने वाले हैं। यहाँ पे आप गैदरिंग भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा फ्लैट लुक चाहिए तो आप प्लीट्स कर सकते हैं, बिकॉज प्लीट्स को जब आप आयरन करते हैं तो वो सेट हो जाती हैं, हीट सेट हो जाती हैं, तो एक थोड़ा सा फ्लैटर लुक आता है एज कम्पेयर टू गैदर्स। बट अगर आपको गैदर्स भी पसंद है तो आप ज्यादा गैदरिंग मत करवाइए, कम गैदरिंग करवा सकते हैं इस तरीके का पैटर्न क्रिएट करने के लिए। अगर आप चाहते हो कि आपको साइड में ही फुलनेस चाहिए, लेकिन ना आपको गैदरिंग चाहिए, ना आपको प्लीटिंग चाहिए, आपको एक स्लीक लुक चाहिए यहाँ पे, लेकिन फुलनेस की भी रिक्वायरमेंट है, तो आप पैनल्स को यूज कर सकते हैं। सिंपली कुर्ता की साइड्स में, दोनों साइड्स में, आप 3 पैनल्स या फिर 2 पैनल्स एज पर योर रिक्वायरमेंट ऐड कर सकते हैं। एंड सो दैट यहाँ पे एक डिजाइन एलिमेंट एक और आप ऐड कर सके। यहाँ पे इन पैनल्स को हाईलाइट कर सकते हो, यानी कि जहां पे भी कली का ज्वाइंट आएगा वहां पे आप पाइपिंग्स या फिर इंसर्शन लेसेस को यूज कर सकते हैं डिफरेंट कलर की, सो दैट वो हाईलाइटिंग से एक डिजाइन एलिमेंट भी ऐड हो जाए। एंड आप इन सभी इमेजेस में, यहाँ पे हम जितने भी इमेजेस आपको दिखा रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं कि कैसे आप कैजुअल कुर्ताज में भी इन पैटर्न्स को यूज कर सकते हैं एंड पार्टीज एंड वेडिंग वेयर्स में भी सेम पैटर्न्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। सिर्फ आपको डिफरेंट फैब्रिक्स को पिक करना है। नेक्स्ट है रिलीज टक्स। ये एक ऐसी टेक्निक है जिससे कि आप गैदरिंग भी नहीं करने की जरूरत, आपको प्लीटिंग की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ टक्स की हेल्प से आप फुलनेस क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे एक छोटा सा सैंपल आपको हम क्रिएट करके बता रहे हैं कि अगर आप स्टिचिंग में ऐसा पैटर्न बनाना चाह रहे हो तो ये किस तरीके से बनता है। आपको टक्स को क्रिएट करना है सिर्फ एक स्पेसिफिक लेंथ तक, या तो आपकी बस्ट लेंथ तक होंगे या वेस्ट तक होंगे, उसके बाद आप इसको ओपन छोड़ देंगे। सो इस वजह से जहां तक आपने टक्स को बंद रखा है, क्लोज रखा है, सीम लगाई है, वहां तक थोड़ा सा स्लीकर लुक आएगा और उसके बाद जो है फ्लेयर बन जाएगा। तो एक फिट एंड फ्लेयर का पैटर्न जो है आप इससे क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है ओवरलैप डिजाइन, यानी कि आप इसे अंगरखा पैटर्न भी कह सकते हो, लेकिन अंगरखा टेक्निकली मे भी अंगरखा ना हो ये, इसीलिए हमने ओवरलैपिंग की टर्म को यहाँ पे यूज किया है। इसके बहुत से वेरिएशंस हैं। इसमें जो ओवरलैपिंग का टाई अप होता है, यानी कि साइड पे जो डोरी आप टाई करते हैं, उसको आप डिफरेंट जगहों पे बना सकते हो, उसकी प्लेसमेंट डिफरेंट जगहों पे हो सकती है एज पर योर चॉइस। आप बस्ट के ऊपर से लेकर इसे वेस्ट लाइन के नीचे तक डिफरेंट जगह पे इसे प्लेस कर सकते हैं, जैसा कि आप इन इमेजेस में देख रहे हो। एंड ऑल्सो ये कॉटन्स में भी उतना ही अच्छा लगता है जितना कि आपके वेडिंग वेयर्स में जो आप एम्ब्रॉयडर्ड जॉर्जेट्स में बनवा रहे हो, शिफॉन्स में बना रहे हो, या फिर मसलिन या लिनन जैसे फैब्रिक में क्रिएट कर रहे हो। नेक्स्ट है शोल्डर योक। ये भी काफी लोगों ने पैटर्न देखा होगा, बहुत से रेडीमेड्स में भी काफी कॉमन हो चुका है। इसमें जो योक की लेंथ है वो आपके शोल्डर तक ही रहती है, यानी कि आपकी बस्ट लाइन के ऊपर तक ही रहती है। यूजुअली जो योक्स की लेंथ होती है उसे बस्ट लाइन के नीचे रखा जाता है, जो हमारे क्लासिक अनारकलीज में रहता है, लेकिन यहाँ पे हम मैक्सिमम फुलनेस क्रिएट करना चाहते हैं, कोशिश कर रहे हैं कि फिट्स की जरूरत कहीं पे भी ना रहे, तो ये जो योक की लेंथ है इसे बस्ट लाइन के ऊपर तक रखा जाता है, यानी कि शोल्डर योक से इन्हें कहा जाता है। एंड उसके बाद गैदरिंग या प्लीटिंग से जो है वो फ्लेयर क्रिएट किया जाता है। अगर आपको गैदरिंग या प्लीटिंग से अच्छा कलीदार जो फ्लेयर है वो अच्छा लगता है, जो अनारकलीज में जो पैटर्न यूज किया जाता है, पैनल्स में फैब्रिक को कट करके स्टिच किया जाता है, तो आप योक को एलिमिनेट कर दीजिए अपने आउटफिट में से। अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं, आपने हमारे बहुत से कलीदास में देखा होगा कि हम योक का इस्तेमाल नहीं करते, डायरेक्ट शोल्डर से ही कली स्टार्ट हो जाती हैं, जिस वजह से आपके इंटायर गारमेंट में कहीं पे भी एक फिटेड लुक नहीं आता, बल्कि आपको एक बहुत ही एलिगेंट फ्लोई लुक मिलता है। तो ये एक और पैटर्न है जो अगर आप अपने लिए क्लासिक कलीदास के लुक क्रिएट करना चाहते हैं तो उसमें काफी यूजफुल रहेगा। अभी तक हमने जितने पैटर्न्स की बात की है उनमें काफी फ्लेयर यूज किया गया है, लेकिन अगर आपको ज्यादा फ्लेयर नहीं पसंद बट स्टिल नो फिट लुक्स आपको चाहिए तो आप सिंपली ए लाइन कुर्ताज बनवाइए। अब ये ए लाइन साइड स्लिट्स के साथ भी हो सकता है, विदाउट साइड स्लिट्स भी हो सकता है। अगेन ये आपके कंफर्ट लेवल पे डिपेंड करता है। आप चाहें तो इसे 3 पैनल्स में भी बनवा सकते हो कि फ्रंट में 3 पैनल्स हैं, बैक में 3 पैनल्स हैं, और अगर आपको ये पैनल्ड लुक नहीं चाहिए तो आप विदाउट पैनल्स भी इस पैटर्न को क्रिएट कर सकते हैं। द बेस्ट पार्ट है कि इसमें वॉल्यूम बिल्कुल नहीं रहती, फ्लेयर बिल्कुल नहीं रहता, तो बहुत ही इजी टू कैरी है एंड कंफर्टेबल है। तो ये थे कुछ ऐसे टेक्निक्स जिनसे ना सिर्फ आप अपने लिए कंफर्टेबल कुर्तास बना सकते हैं बट एट द सेम टाइम आप स्टाइलिश आउटफिट्स भी अपने वार्डरोब में ऐड कर सकते हैं। एंड ऑल्सो अगर आपके पास साड़ीज पड़ी हैं घर में तो उनसे भी आप ऐसे पैटर्न्स को ट्राई कर सकते हैं। एंड अगर आप हमसे ऐसा कुछ भी क्रिएट करवाना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। हमारी इंस्टाग्राम आईडी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हो, वहां पे हमने मेंशन भी किया है कि आप ऑर्डर किस तरीके से प्लेस कर सकते हैं। एंड ऑल्सो आपको स्क्रीन पे भी दिख रही है। वीडियो के एंड में अगेन मैं आपको रिमाइंडर दे रही हूँ कि लाइक कीजिएगा, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड ऑल्सो आपकी जो भी वीडियो रिक्वेस्ट है आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।